दोस्तों मुझे पता है दिवाली इवेंट के दौरान आप लोगों ने गेम में काफी ढेर सारे इंक्यूबेटर वाउचर्स कलेक्ट कर लिए होंगे एंड उसके बाद आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि इंक्यूबेटर के अंदर स्पिन किया जाए या फिर नए या फिर पुराने इंक्यूबेटर का वेट किया जाए, क्योंकि यार आप लोगों के मन में यही डाउट बना हुआ है कि नया या फिर पुराना इंक्यूबेटर कौन सा आ सकता है, बेसिकली यार नेक्स्ट इंक्यूबेटर के अंदर कौन सा आइटम हम लोग को अवेलेबल कराया जा सकता है एंड अगर यहाँ पर हमारा कोई पुराना इंक्यूबेटर आता है तो क्या उसके अंदर इंक्यूबेटर के वाउचर वर्क करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ऐसे काफी ढेर सारे क्वेश्चंस और कमेंट मुझे आपके मेरी पिछली वीडियो पर देखने को मिले हैं, तो उन सारे कमेंट एंड क्वेश्चंस का आंसर मैं आप लोगों को आज के वीडियो के अंदर आप लोगों को देने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों यार 100% कंफर्म नेक्स्ट इंक्यूबेटर के बारे में भी आप लोगों को बताने वाला हूं। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, और भी काफी ढेर सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूज एंड इवेंट और अपडेट्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो इस छोटी सी वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना जिससे यार आप लोगों को पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। एंड हां मेरे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि दिवाली इवेंट के दौरान आप लोगों ने कितने इंक्यूबेटर के वाउचर जो है कलेक्ट किए हैं, मेरे को कमेंट करके बताओ किसके पास कितने वाउचर्स अवेलेबल हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका यह छोटा सा काम मेरे को मोटिवेशन देता है आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज बनाने के लिए। एंड अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप लोग फ्री फायर गेम के अंदर आने वाले हर एक इवेंट और अपडेट की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इस चैनल पर पाओगे, तो याद से लाइक एंड सब्सक्राइब का काम कर दीजिएगा। तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग मैं आप लोगों के साथ ही यहाँ पर करना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सबसे पहले कि आप लोग कौन सा इंक्यूबेटर चाहते हो। बेसिकली यार यहाँ पर एक पोस्टर निकल के आया हुआ है ऑफिशियली फ्री फायर की तरफ से, जहाँ पे आप लोगों से फेवरेट बंडल के लिए वोट करने को पूछा गया है, जिसमें दोस्तों टोटल 9 बंडल यहाँ पर आप लोगों को ऐड करके दिखाए गए हैं। सबसे नंबर 1 पर फ्लेमिंग एंग्री का बंडल देखने को मिल जा रहा है, सेकंड नंबर पर ब्लड मून है, तीसरे पर टाइम स्कीपर वाला देखने को मिल जा रहा है, फोर्थ नंबर पर दोस्तों रैपर अंडरवर्ल्ड का आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है, फिफ्थ पर आप लोगों को स्पिरिटेड का इंक्यूबेटर देखने को मिल जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों यार यहां पर सिक्स नंबर पर बनी वाला जो हमारा सिलेक्टर पार्टी था वो देखने को मिल जा रहा है, सेवन नंबर पर सोल लेस वाला इंक्यूबेटर आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों यार यहां पर आप लोगों को एट नंबर पर जोकर वाला इंक्यूबेटर दिया जा रहा है, एंड लास्ट में दोस्तों आप लोगों को मिस्टिक मास्टर वाला जो यहां पर इंक्यूबेटर था वो यहां पर अवेलेबल कराया गया है। सही पकड़े हैं। टोटल यहाँ पर 9 इंक्यूबेटर दिए गए हैं, जिनमें से दोस्तों आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप लोग का फेवरेट बंडल यहाँ पर कौन सा है, कमेंट करके बताओ। तो जल्दी जल्दी यार आप लोग अपना ओपिनियन मेरे को बताओ कि कौन से नंबर वाला है या फिर कौन से नेम का इंक्यूबेटर आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है। बाकी का दोस्त यार इसके अलावा और भी कुछ पॉसिबल इंक्यूबेटर्स हैं जो कि यार आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, तो वो कौन कौन से हैं मैं आगे आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये तो जस्ट वोटिंग के लिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि हाँ भाई अगर इनमें से 9 बंडल में से कोई बंडल आना हो तो आप लोग कौन सा पसंद करोगे लेना कि हमारे गेम के अंदर, या फिर आप लोग को वो वाला इंक्यूबेटर अवेलेबल कराया जाए, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इसके बाद दोस्तों यार मैं आप लोगों को कुछ फ्री के रिवॉर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा फ्री फायर हम लोग को कंटिन्यू फ्री के रिवॉर्ड दे रहा है, तो उसी से रिलेटेड यहां पर एक और न्यूज निकल के आई हुई है जिसके अंदर दोस्तों यार आप लोगों को फ्री का कॉस्ट्यूम देखने को मिल सकता है। क्या बात है सर। साथ ही दोस्तों काफी ढेर सारे और भी रिवॉर्ड्स रखे जो कि यार आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री में क्लेम करने को मिलेगा। बंडल्स के बारे में बात करें दोस्तों, यार आप लोगों को ये मेल वाला कॉस्ट्यूम बहुत जल्दी हमारे गेम के अंदर बिल्कुल ही फ्री में क्लेम करने को मिल सकता है। इसके लिए दोस्त यार आप लोग बेसिकली यहाँ पर दो टाइप के स्पेशल टोकन कलेक्ट करने पड़ेंगे, एंड इन टोकन का यूज करके आप लोग को काफी ढेर सारे फ्री के रिवॉर्ड्स क्लेम करने को मिलने वाले हैं। एंड हाँ दोस्त यार मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे गरेना फ्री फायर की तरफ से ऑफिशियली पर कंफर्म हो चुका है कि हमारा इस दिवाली इवेंट के बाद बुइया डे इवेंट जरूर से स्टार्ट होने वाला है। यानी दोस्तों जो नेक्स्ट बिग इवेंट रहने वाला है वो बुइया डे का इवेंट रहने वाला है, तो आप लोग रेडी हो जाओ क्योंकि यार बुइया इवेंट से रिलेटेड मेरे को कंफर्म न्यूज मिलने वाली है हमारे पार्टनर प्रोग्राम की तरफ से, ऑफिशियली यहां पर कंफर्म हुआ है, तो आप लोग भी रेडी हो जाओ काफी डेट सारी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, ठीक है। बाकी का यार ये मेल का जो कॉस्ट्यूम मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये आप लोगों मे बी बुइया इवेंट के दौरान ही फ्री में क्लेम करने को मिल जाए किसी न किसी इवेंट के जरिए से। इसके अलावा दोस्तों एक और ओपी वाला इवेंट यहाँ पर मेरे को देखने को मिला है जो कि यार काफी ज्यादा खतरनाक है इसी के तरीके, जहां पे दोस्तों यार आप लोगों को एक नहीं दो नहीं काफी डेढ़ सारे फ्री के रिवॉर्ड दिखाए गए हैं।
एंड इनमें से दोस्तों यार आप लोग का मनपसंद जो भी रिवॉर्ड्स रहेगा, यहाँ पर 5 से 6 रिवॉर्ड दिखाए गए, आइटम दिखाए गए, जो भी आइटम आप लोग को पसंद हो वो मनपसंद आइटम आप लोग बिल्कुल ही फ्री में सेलेक्ट करके क्लेम कर सकते हो। जिसके अंदर ग्लूऑल है, काफ़ी ओपी वाला एनिमेटेड बैकपैक भी आप लोग को देखने को मिल जा रहा है, जिसके अंदर लिटरली काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाला एनिमेशन यहाँ पर डाला गया है। इसके अलावा दोस्तों यार यहाँ पर ये शानदार सा मंकी वाला बैकपैक भी देखने को मिल जा रहा है, जो कि लिटरली ये भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पर देखने में लगता है। साथ ही साथ दोस्तों यार इसके अंदर आप लोगों को और भी काफ़ी ढेर सारे बैकपैक्स हैं जो कि यार देखने को मिली हुई हैं। एंड ग्लू वॉल की स्किन तो भाई ओपीएल दी गई है। बेसिकली यार इस इवेंट का क्या रूल है, क्या मैकेनिज्म है, वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पर सही बात है दोस्तों, अगर आप लोग गेम के अंदर टॉप अप करते हो, आप यहाँ पर कितने डायमंड का टॉप अप करते हो ये तो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हाँ अगर आप लोग एक भी डायमंड का टॉप अप करते हो देन उसके बाद आप लोगों को रिवॉर्ड के रूप में इन 4 या फिर 5 आइटम में से जो भी आप लोगों को मनपसंद आइटम हो वो आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में क्लेम करने को देखने को मिल सकता है। यानी दोस्तों गैरेना फेफेयर आप लोगों को हर एक जरिए से फ्री का रिवॉर्ड क्लेम करने को प्रोवाइड करा रहा है। सही बात है, अगर आप लोग यहाँ पर गेम के अंदर फ्री का मतलब एक भी डायमंड टॉप अप करते हो तो फ्री का रिवॉर्ड आप लोगों को क्लेम करने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये इवेंट अगर आप लोग इंडियन शो में चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे को जरूर से बताइएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अपने इंक्यूबेटर के बारे में। तो आप लोगों को एक ऐसा इंटरेस्टिंग इंक्यूबेटर सबसे पहले दिखाता हूँ जो कि यार काफी ज्यादा ओपी एंड काफी ज्यादा कमाल का है। एंड लिटरली गाइस अगर ये इंक्यूबेटर आता है तो भाई मेरे को मजा ही आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों यार इस वाले इंक्यूबेटर के अंदर आप लोगों को 3-in-1 देखने को मिल जा रहा है, जिसके अंदर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमारा जोकर वाला जो बंडल है ये यहाँ पर हम लोग को अवेलेबल कराया गया है। एंड लिटरली गाइस यार इस वाले इंक्यूबेटर का सबसे ज्यादा चांसेस बन रहा है, 99% चांस है कि आप लोगों को जोकर वाला इंक्यूबेटर देखने को मिल जाए। ठीक है, ओके। बाकी के यार अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो भाई मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों को 3-in-1 वाला जो इंक्यूबेटर आता है हर एक सर्वर के अंदर वही हमारे इंडियन शो के अंदर भी देखने मिले, क्योंकि यार यहां पे आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं, देख सकते हो एक ही इंक्यूबेटर के अंदर दोस्तों 3-3 आइटम यहाँ पर अवेलेबल कराया गया, जिसके अंदर M10 का भी इंक्यूबेटर है एंड 2 बंडल्स का जो कि यार काफी ज्यादा ओपी वाले बंडल्स है ये भी इसके अंदर मेंशन किए गए। सेम इस तरीके दोस्तों यार एक और पॉसिबल इंक्यूबेटर का भी लीक निकल के आया जो कि यार रिसेंटली यहाँ पर काफी डेट से सर्वर के अंदर चल रहा है। अच्छा, हमको सिखा रहा है, जिसके अंदर दोस्तों शानदार सा आप लोगों को ये वाला कॉस्ट्यूम जो है देखने को मिला हुआ है जो कि यार काफी ज्यादा ओपी है। एंड इसी की थीम पर भी जो यूएमपी गन का है वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, तो ये वाले जो इंक्यूबेटर हैं दोस्तों काफी ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। इसके अलावा 100% कन्फर्म तो हमारा थॉमसन का इंक्यूबेटर जो कि दोस्तों यार कल के दिन यानी दोस्तों 27 अक्टूबर के दिन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा हमारे गेम के अंदर। तो ये वाले इंक्यूबेटर के अंदर आप लोग स्पिन तो कर ही सकते हो जो हमारा थॉमसन का आएगा। बाकी का यार जो हमारा मेन क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पर जो हमारे इंक्यूबेटर का वाउचर है अगर कोई रिटर्न इंक्यूबेटर आता है तो उसके अंदर यूज होगा कि नहीं होगा। तो देखो दोस्तों यार इस चीज को कंफर्म बोल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, यार कभी कभार होता है कि फ्री फायर उसके अंदर जो हमारे इंक्यूबेटर के वाउचर रहते हैं उसको यूज करने देता है एंड कभी कभी नहीं देता है। ठीक है, तो मैं अगर अपना ओपिनियन दूं, मैं आप लोगों को अगर ट्रिक बताऊं तो भाई आप लोगों को इसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग जब थॉमसन इंक्यूबेटर आएगा ना तो उसके अंदर आप लोगों के पास अगर 100 इंक्यूबेटर वाउचर है तो 150 जो है स्पिन कर लेना, बाकी के 50 रखे रहना। अगर 2 से 3 दिन में रिटर्न इंक्यूबेटर आता है तो उसके अंदर अगर वाउचर यूज होगा तो आप लोग यूज करके स्पिन करना, नहीं तो इंक्यूबेटर जो हमारा थॉमसन का आएगा उसके अंदर आप लोग स्पिन कर लेना, वहां से जो ब्लू प्रिंट मिलेगा स्टोन मिलेगा उसको आप लोग यूज करके कन्वर्ट कर सकते हो हमारे रिटर्न इंक्यूबेटर के बंडल्स के लिए। ठीक, सही पकड़े हैं। मतलब मान लो अगर आप लोगों को थॉमसन गन का जो इंक्यूबेटर आएगा उसके आप लोगों को 10 ब्लूप्रिंट जो है मिल चुके हैं, एंड अगर यहाँ पर हमारी MP40 का इंक्यूबेटर आता है देन आप लोग थॉमसन वाले ब्लूप्रिंट से चेंज कर पाओगे MP40 का ब्लूप्रिंट। ठीक है, क्योंकि यार ये चीज़ जो रहती है हर एक इंक्यूबेटर के अंदर ऐड की जाती है, दी जाती है। तो आप लोग को इससे रिलेटेड यार कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आप लोग को कल के दिन जब इंक्यूबेटर आएगा थॉमसन का तो उसके अंदर थोड़ा सा स्पिन करना है, बाकी के यार थोड़े से वाउचर कलेक्ट करके रखने हैं एंड कुछ ही दिन यानी 4 से 5 दिन के बाद आप लोगों को रिटर्न इंक्यूबेटर भी देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर काफी ढेर सारे ओपीएल कॉस्ट्यूम जो कि मैंने आप लोग दिखाए हैं वो आप लोगों को अवेलेबल कराए जा सकते हैं। सही बात है, ठीक है। बाकी यार अगर और भी कुछ अपडेट या फिर और भी कुछ भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है ना तो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। एंड अगर आप लोगों का अभी भी कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो कि भाई ये नहीं समझ में तो कमेंट करके यार दोस्तों पूछो, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जरूर से बताऊंगा। एंड हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज यार मेरे मेहनत को सपोर्ट करना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो भी बंदे यार सब्सक्राइब नहीं है प्लीज यार कर दो, मोटिवेशन मिलता है। काफी ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो कि डेली वीडियोस को देखते हैं सब्सक्राइब नहीं है, तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर कर लो। चलो दोस्तों, टाटा बाय।